नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं दो रंग का एक बहुत ही खूबसूरत डिजाइन लाए हूँ, जिसे आप बच्चों के प्रोजेक्ट में या फिर लेडीज प्रोजेक्ट में डालेंगे, ये बहुत ही अच्छा रहेगा। इसे बनाने के लिए फंदों का कोई बंधन नहीं है, आप अपने स्वेटर के अकॉर्डिंग कितने भी फंदे डाल सकते हैं। पहले लाइन में हम सभी फंदे उल्टे बना लेंगे। ये हमारा डिजाइन का लाइन नहीं है, बल्कि ये फाउंडेशन रो है। तो पहली लाइन में सभी फंदे उल्टे और दूसरी लाइन में भी सभी फंदे उल्टे बना लेंगे। ये दोनों लाइन हमारे डिजाइन के लाइन नहीं है, बल्कि ये फाउंडेशन रो है। तीसरी लाइन से डिजाइन बनना शुरू होगा। तो तीसरी लाइन में हम अपना दूसरा कलर अटैच कर लेंगे। तो मैंने अपना दूसरा कलर अटैच कर लिया। अब ये डिज़ाइन का पहला लाइन है। तो डिज़ाइन का पहला लाइन और सामने से पहला फंदा हम सीधा बुन लेंगे, फिर ऊन अपनी ओर करेंगे, अगला फंदा उल्टा, फिर नेक्स्ट फंदा हम देखिए कैसे बनाएंगे। ये हमारा फंदा है, तो इसमें हम सिलाई डालेंगे और इसके नीचे आएंगे और ये जो धागा है इसको उठाएंगे और दोनों को एक साथ लेते हुए एक उल्टा फंदा बना लेंगे। नेक्स्ट फंदा हम उल्टा बनाएंगे। अगले फंदे में हम पहले फंदे में सिलाई डालेंगे, फिर नीचे आ जाएंगे और ये जो धागा है उल्टे फंदे का जो हमने बुना था, तो उसको उठाएंगे और दोनों को एक साथ लेते हुए एक उल्टा फंदा बना लेंगे। तो एक फंदा हमें उल्टा बुनना है और दूसरे फंदे को फंदा और उसके बाद नीचे वाले धागे को उठा के दोनों को एक साथ लेते हुए उल्टा बुनना है। एक फंदा उल्टा और दूसरे फंदे को नीचे आके हम धागे को उठाएंगे, दोनों को एक साथ लेंगे और तब उल्टा बुन लेंगे। तो इन्हीं दोनों फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। लास्ट फंदा एज स्टिच है, उसे हम सीधा बुनेंगे। तो ये हमने पहली लाइन कंप्लीट कर लिया। अब दूसरी लाइन में सभी फंदे उल्टे। तीसरी लाइन हम अपने प्राइमरी कलर से बनाएंगे। पहला फंदा एज स्टिच है, उसे हम सीधा बुन लेंगे। दूसरे फंदे में हम फंदे में सिलाई डालेंगे, फिर एक लाइन नीचे आएंगे और ये जो हमारा धागा दिख रहा है दोनों को एक साथ उठाएंगे और एक साथ लेते हुए उल्टा बुनेंगे। नेक्स्ट फंदा उल्टा, अगला फंदा फंदे में सिलाई डालेंगे, फिर हम नीचे आएंगे और दोनों को एक साथ लेते हुए एक उल्टा फंदा बना लेंगे। अगला फंदा उल्टा। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा फंदा है और ये देखिए यहाँ पे एक धागा है, यहाँ पे सिर्फ एक धागा है और पिछली बार जब हमने दोनों को एक साथ लेके बुना था तो यहाँ पे देखिए ये दो धागे हैं। तो इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। तो पहले फंदे में फिर नीचे आएंगे, धागे को उठाएंगे, दोनों को एक साथ लेते हुए एक उल्टा फंदा, अगला फंदा उल्टा, फिर फंदे में फिर नीचे आके दोनों को एक साथ लेके एक उल्टा फंदा, नेक्स्ट फंदा उल्टा, फंदे में फिर नीचे आएंगे, दोनों को एक साथ लेंगे और एक उल्टा फंदा बना देंगे। लास्ट फंदा एज स्टिच है, उसे हम सीधा फंदा बुन लेंगे और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। फिफ्थ रो में हम अपने सेकेंडरी कलर से फिर पहला लाइन दोहराएंगे, यानी पहला फंदा सीधा बुनेंगे, ऊन अपनी ओर करेंगे, नेक्स्ट फंदा उल्टा, फिर देखिए अगला फंदा हमें फंदे में सिलाई डालना है, फिर नीचे आके दोनों को एक साथ लेके एक उल्टा फंदा बनाना है, अगला फंदा उल्टा। अब यहाँ देखिए यहाँ पे दो धागे हैं, यहाँ पे दो धागे हैं, तो इस फंदे में हमें नहीं बुनना है, इसका हमें खास ध्यान रखना होगा। यहाँ पे देखिए इस फंदे को हमें बुनना है, तो देखिए इसमें सिर्फ एक धागा है। तो अगले फंदे को हम उल्टा बुनेंगे और नेक्स्ट फंदे में सिलाई डालेंगे, फिर नीचे आके दोनों को एक साथ लेके एक उल्टा फंदा बनाएंगे, अगला फंदा उल्टा, फंदे में सिलाई डालेंगे, फिर नीचे आएंगे, फिर दोनों को एक साथ लेंगे और एक उल्टा फंदा बनाएंगे। तो एक फंदा हमें उल्टा, नॉर्मली उल्टा बुनना है और एक फंदे में उसे भी उल्टा बुनना है, लेकिन नीचे वाले फंदे को साथ लेके तब जाके उल्टा बुनना है।
फिर नेक्स्ट फंदा उल्टा और लास्ट फंदा एज स्टिच है, इसे हम सीधा बुनेंगे और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। तो देखिए फ्रेंड्स, इन्हीं चारों लाइनों को दोहराने से ये खूबसूरत सा पैटर्न बनता चला जाएगा। देखिए ये खूबसूरत सा पैटर्न बनता चला जाएगा। देखिए कितना खूबसूरत है, सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा। तो फ्रेंड्स, डिज़ाइन आपके सामने है, आशा है आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।